बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक अच्छी खबर टीवी के ऊपर चलना शुरू हुई है कि वो बच्ची जो दुआ दारा जिसके वालिद हमारे पास आए थे कि 3 दिन हो गए एफआईआर कटवाया, बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, वो केस हमारी पुलिस, रेंजर्स, इंतजामिया, जितने हसास इदारे सबने मिलकर सॉल्व कर दिया। ऐसा केस जिसका कोई सिरा ही नहीं था वो केस सॉल्व हो गया, जहां इतनी टेंशन नहीं थी कहीं जैनब केस ना हो जाए, कहीं वासन स्क्वायर वाली बच्ची जैसा केस ना हो जाए, मुख्तलिफ खदशात थे, वो केस सॉल्व हो गया। वो बच्ची लाहौर से बरामद हुई है, वहां पर उसने 18 साल उम्र बता के निकाह किया, ये टीवी पर चल रहा है। उनके वाली से मैंने बात की, उन्होंने कहा थी मेरे घर पर भी शैला रजा साहब आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने बताया हमने बच्ची वहां से बरामद करवा ली है और अब उसको कराची लाने के इंतजाम हो रहे हैं। वालिद साहब का कहना है कि उम्र 18 साल नहीं है, 14 साल है, उन्होंने कहा मैंने इसके बर्थ सर्टिफिकेट सारी चीजें इदारों के हवाले कर दी चले, लेकिन कम से कम ये मसला हल हो गया। वो जो खदशात थे खुदा ना खासा जैनब का केस या वो जो बच्ची हसन स्क्वायर वाली थी, दीगर जो केसेस सामने आते थे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा केस जिसका कोई सिरा ही नहीं था और पूरा पाकिस्तान उसके लिए दुआएं कर रहा था, केस सॉल्व हो गया। अब आगे के जो मसले हैं, क्यों घर से गई, क्यों शादी की, क्या वजह थी, वो आगे भी सारा खुलता रहेगा, टीवी पे आएगा, उनके वालदैन जो भी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। लेकिन ये खबर जो मीडिया पर चल रही थी, मैंने उनके वालिद से तस्दीक करके मैंने कहा आप सबके लिए मिले, और एक बार फिर पाकिस्तान के तमाम इदारों का, सिंध गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसा केस जिसका कोई सिरा ही नहीं था उसको सॉल्व कर दिया।